हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि आईडी वाले रोज़ेस आपको कहाँ मिल सकते हैं, तो मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे आईडी वाले रोज़ेस अवेलेबल हैं और ढेर वो रोज़ेस इनके पास हैं। देखिए, गैलेक्सी व्यू यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर आपको रानी व्यू रखा हुआ है, इधर गैलेक्सी ग्लो है और यहाँ अरुणिमा रखी हुई है, आप देख रहे होंगे। तो कौन कौन से गुलाब हैं इनके पास और कहाँ से आप इसे ले सकते हैं, ये सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, ये रात ही गुलाब इनके पास आए हैं और इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास गुलाब आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया ताकि अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को ये बता सकूं कि आपके लिए गुलाब आ चुके हैं और आप चाहें तो, अगर आपके लोकेशन के नज़दीक है तो आ करके ले भी सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चूँकि अव्यवस्थित तरीके से इसलिए सारी आईडी तो नहीं दिख सकती है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ मानस है, इसके अलावा यहाँ पे लव एंड पीस रखा हुआ है, यहाँ गोल्डन मेडेलियन या फिर गोल्ड मेडल जिसे कहते हैं वो भी है, यहाँ करिश्मा रखा हुआ है। इसके अलावा मैं इधर और दिखाता हूँ, ये निकोल रखे हुए हैं और यहाँ पर करिश्मा है। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ से गुलाब ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये अभिसारिका है जो मेरा फेवरेट रोज़ है। इसके अलावा यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये अश्विनी है। ऐसे ही बहुत सारे रोज़ेस मैं ले रहा हूँ, इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको अलग से बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन से रोज़ेस मैंने लिए हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं और इनके रेट्स वगैरह क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कुछ और गुलाब मैं आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ देखिए, ये आईडी जो है ये विमला करके है, यहाँ रखी हुई है। इसके अलावा ये कोई मिनिएचर रोज़ है, यहाँ परफ्यूम डिलाइट भी रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर वैलेंटाइन करके है और प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी हैं, आप देख रहे होंगे छोटे प्लांट्स नहीं हैं ये, बहुत ऐसा नहीं है कि नाजुक हैं, आपको लगाने के लिए बहुत इसको टेंशन पालना है, ये बहुत ही अच्छे कंडीशंस में हैं और कुछ तो खिले हुए भी हैं, कलियां लगी हुई हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ टेम्पी मॉडर्नी रखा हुआ है, मैं धूप की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है, ये टेम्पी मॉडर्नी है। इसके अलावा कुछ और गुलाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैलेंटाइन है। इस तरह करके इनके पास लगभग 50-60 वैरायटीज़ हैं रोज़ेस की जो अवेलेबल हैं और पर्याप्त मात्रा में इनके पास पौधे रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं। कुछ और गुलाबों की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक गुलाब है, ये करिश्मा है, इसका कंडीशन देखिए, ये काफ़ी हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि आप ले जाएंगे तो आपको फिर इसको लेके बहुत ही परेशान होना पड़ेगा या बहुत आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा लगाने के लिए। ये विमला है, देखिए ये कितनी बड़ी है, और इधर जो मैंने प्लांट्स अपने लिए निकलवाए हैं मैं उनकी भी कंडीशंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभिसारिका जो मैंने निकाली है, ये देखिए इसका साइज़ देखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा जो दूसरे गुलाब हैं, ये मानस है, मैंने निकलवाया है, इसका साइज़ आप देख रहे होंगे, तो काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं, आप चाहें तो बेफिक्र होकर इसे ले सकते हैं और ले जाके लगा सकते हैं। बहुत हल्की फुल्की केयर में भी ये प्लांट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, ये मैंने जो आपको दिखाया, ये हमारे यहाँ देवरिया के एक देवरिया से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुच्चा पार जगह है, जहाँ पे पूर्वांचल हाईटेक नर्सरी है, वहाँ से मैंने इसे लिया है। नर्सरी का एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी वैरायटीज़ इनके पास सारी अवेलेबल है, और आप अपने घर पे इन पौधों को मंगा सकते हैं, अपने लिए इन पौधों को ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि मैंने कौन कौन से गुलाब लिए हैं, तो जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।